हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं मुकेश, स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल सोकिल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बहुत ही शानदार ब्लूटूथ डोंगल, जिसके द्वारा हम किसी भी ऐसे स्पीकर जिसके अंदर ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है तो इसके द्वारा हम ब्लूटूथ चला सकते हैं इस डिवाइस को लगा के, और ये सिर्फ 50 रुपये के अंदर बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस प्रकार की एक वेस्टेज प्लास्टिक ले लेंगे। आप भी इस प्रकार का कुछ भी ले सकते हैं। और इसके अलावा हम लेंगे एक 3.5 mm ऑडियो जैक। ये ऑडियो जैक आप पुरानी एम्पलीफायर PCB से निकाल सकते हैं। और एक लेंगे हम इस प्रकार की पुरानी USB केबल, और एक लेंगे हम ब्लूटूथ रिसीवर PCB। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 40 से 50 रुपए में मिल जाएगी, और वैसे ये ऑनलाइन थोड़ी महंगी मिलती है, 100 रुपए के आसपास। और वैसे मैं इन सब का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि हमने ये प्लास्टिक का टुकड़ा लिया था, तो इस प्रकार का कोई भी टुकड़ा आप भी लेके, और जैसा मैं यहाँ पर कटिंग कर रहा हूँ तो वैसे आप भी कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के मैं 2 प्लास्टिक के टुकड़े कटिंग करूँगा, और 19 mm के लगभग इसकी चौड़ाई रहेगी, और 48 mm के लगभग इसकी लंबाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके साथ का एक टुकड़ा और तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 2 टुकड़े तैयार कर लिए हैं। अब जो हमने एक वेस्टेज USB केबल ली थी, तो उसका जो सॉकेट है आगे वाला, उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हम किसी कटर या चाकू की मदद से इस सॉकेट को निकालेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस केबल के अंदर से हमने ये USB जैक निकाल लिया है। और ये देखिए, ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा पत्ती यहाँ पर लगी हुई थी, उसको भी हमने काट दिया है, क्योंकि ये आगे जाके कोई अड़चन पैदा करती, इससे पहले मैंने इसको कट कर दिया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ फेविक्विक ले लेंगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ी थोड़ी करके लगाऊंगा, नहीं तो ये ज़्यादा फैल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इस प्रकार से ये फेविक्विक ले रहा हूँ, और ये जो ऑडियो जैक है इसको मैं यहाँ पर इस प्रकार से चिपका दूंगा। अब जो ब्लूटूथ रिसीवर PCB है, उसको भी हम डबल टेप के द्वारा चिपका लेंगे। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि कई हमारे पास ऐसे स्पीकर भी होते हैं जिनके अंदर ब्लूटूथ नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो कि पहले USB ही चलता था, और उनके अंदर सिर्फ हम USB पेन ड्राइव डाल के सॉन्ग वगैरह, म्यूजिक वगैरह चला सकते थे, लेकिन उनके अंदर ब्लूटूथ नहीं आता था। तो यहाँ पर मैं उन स्पीकरों को ब्लूटूथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो भी सिर्फ 50 रुपये के अंदर ये सारा काम हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जो USB सॉकेट हमने निकाला था केबल से, उसको भी हम लगा देंगे। और ये देखिए, थोड़ी सी मैंने रुई ली है, रुई और फेविक्विक डाल के यहाँ पर मैं इसको मजबूत कर देता हूँ, क्योंकि रुई बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है अगर उसके ऊपर हम फेविक्विक डाल देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर सावधानी से आपको फेविक्विक डालनी है, क्योंकि रुई अगर थोड़ी सी भी आपकी उंगली पे लग जाएगी फेविक्विक के साथ, तो वो उंगली के अंदर घुसने का काफ़ी डर है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मेरे को याद है यार। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये देखिए, जो हमने डबल टेप लगाई थी उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि नीचे जो लिखे हुए हैं पॉजिटिव नेगेटिव या फिर ऑडियो इंस्ट्रक्शन जो भी है, तो वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने टेप को हटा दिया है, ताकि मैं यहाँ पर वायरिंग करूँगा तो वो हम लोगों को अच्छे से दिख जाए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पतले वायर लूँगा, आप भी अपने अनुसार पतले वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड माउस वाली USB केबल ले रहा हूँ, तो उसके अंदर काफ़ी पतले वायर आते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ब्लूटूथ रिसीवर PCB है, तो उसके अंदर जो ग्राउंड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक वायर जोड़ दिया है, और यहाँ पर जो V+ लिखा हुआ है, तो वहाँ पर मैंने पॉजिटिव यानी रेड वायर जोड़ दिया है, क्योंकि जो PCB है उसके पीछे की तरफ ये लिखा हुआ है। और इसी प्रकार से जो USB कनेक्टर है, जो हमने केबल से निकाला था, तो उसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लगाना है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऑडियो जैक से ब्लूटूथ रिसीवर PCB के अंदर कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ लेफ्ट, ग्राउंड और राइट लिखा हुआ है, तो इसी प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे इस ऑडियो जैक के ऊपर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर किसी पुराने नॉर्मल स्पीकर के अंदर
ना ही USB ना ही FM और ना ही ब्लूटूथ हो, तो उसको हम कैसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर चित्र है ये है वो वीडियो, और मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, तो जाके आप वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लूटूथ रिसीवर PCB से एल आउट, ग्राउंड और आर आउट से ऑडियो जैक पर हम कनेक्शन कर देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। और यहाँ पर जो हमने ऑडियो जैक के बीच के अंदर जो वायर लगाया है ब्लैक वाला, वो ग्राउंड है, और जो वाइट और ग्रीन वायर है वो लेफ्ट और राइट साइड वाला वायर है। तो इस प्रकार से हमने ब्लूटूथ रिसीवर PCB के अंदर से कनेक्शन कम्प्लीट कर दिए हैं। तो चलिए, जो हमने प्लास्टिक ली थी उसके अंदर से हम और कटिंग कर लेते हैं इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो दूसरा वाला टुकड़ा है उसके ऊपर इस प्रकार से कुछ प्लास्टिक के टुकड़े और जोड़ के और उसे हमें कवर बनाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कवर बना लिया है, और बहुत ही अच्छा कवर लग रहा है ये, मजबूत भी। और यहाँ पर जो ऑडियो जैक है उसके लिए भी यहाँ पर हम जगह बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन के द्वारा ऑडियो जैक के लिए जगह बना लेता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कवर के अंदर जो हमने ब्लूटूथ सर्किट तैयार किया था उसको हम इसके अंदर फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फेविक्विक के द्वारा या फिर इंस्टेंट ग्लू के द्वारा यहाँ पर फिक्स कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अभी हम इसको और भी अच्छी फिनिशिंग देंगे। जैसा कि आप देखते होंगे ब्लूटूथ डोंगल या पेन ड्राइव या फिर जो भी AC डिवाइस आते हैं उनके अंदर कवर, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। और ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा वेस्टेज प्लास्टिक है उसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, और जहाँ पर प्लास्टिक लगने की है तो वहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन के द्वारा चिपका भी दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कुछ प्लास्टिक चिपका के इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ताकि अच्छे से इसको फिनिशिंग कर सकूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सॉकेट के पास जो जगह रह गई थी उसके अंदर मैंने प्लास्टिक के टुकड़े डाल के इसको फिनिशिंग कर दिया है, और बाकी की फिनिशिंग मैं यहाँ पर सैंड पेपर की मदद से कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी फेविक्विक लगी हुई है और जहाँ पर नई लगी हुई है तो उनके अंदर जो अंतर है वो ख़त्म हो जाएगा, और अच्छी फिनिशिंग यहाँ पर देख पाओगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको चेक करते हैं, और चेक करने के लिए यहाँ पर मैं एक USB स्पीकर ले रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पुराने ज़माने में जो स्पीकर आता था जिसके अंदर ब्लूटूथ नहीं होता था। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा पुराने ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं आप सोचने लगे कि यार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वाली संस्कृति के बारे में ये बात कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमने एक RC स्टीरियो केबल ली है, और इसको मैं स्पीकर के इनपुट में लगा दिया हूँ, और आउटपुट में मैंने ये 2 स्पीकर लगा दिए हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस स्पीकर के अंदर केवल USB है और FM है, और इसमें ब्लूटूथ नहीं है। तो अब हम इसके अंदर ब्लूटूथ चलाएंगे जो हमने डिवाइस बनाई है उसके द्वारा। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले इस डिवाइस को हम USB सॉकेट के अंदर इस प्रकार से डाल देते हैं, और जो ऑडियो केबल हमने लगाई थी अभी पीछे की तरफ इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे, और इस स्पीकर को AUX के ऊपर ही रखेंगे। अब हम मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ यहाँ पर खोजेंगे,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लूटूथ रिसीवर पीसीबी के ऊपर जो वायर बीटी लिखा हुआ था वही वायर बीटी यहाँ पर मोबाइल के अंदर लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर इसे हम पेयर कर देंगे, यानी कि इस स्पीकर को हम ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट करवा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कुछ म्यूजिक चला के चेक कर लेते हैं। तो यार आपको ये ब्लूटूथ डोंगल कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।